हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। और यहां मैं आज आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम को लेकर। लगातार कुछ दिनों से कुछ न्यूज वायरल हो रही है, पीडीएफ के जरिए आपके व्हाट्सएप पर आ रही है, टेलीग्राम ग्रुप पर मिल रही है, फेसबुक पर मिल रही है, यूट्यूब पर आपको लगातार कुछ फेक न्यूज देखने को मिल रही है। तो इन्हीं फेक न्यूज से रिलेटेड एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें, समझे। देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आप देख रहे हैं, कल भी मैंने इसकी से रिलेटेड एक वीडियो आपके लिए लेकर आया था, मॉर्निंग में आपके साथ शेयर की थी कि एनटीपीसी को लेकर 28 मार्च से एग्जाम होना है। वो वीडियो लगातार सभी चैनल्स बना रहे थे और वहां पर एक पीडीएफ को लेकर मुद्दा बना हुआ था कि पीडीएफ एक लगातार सर्कुलेट हो रही थी। उस पीडीएफ में साफ तौर पर मेंशन था कि एग्जाम मार्च में स्टार्ट हो रहा है एनटीपीसी का, ठीक है। ग्रुप डी को लेकर भी लगातार कुछ फेक न्यूज लगातार देखने को मिल रही है। लेकिन यहां पर मैं रेलवे की तरफ से, रेलवे डिपार्टमेंट ने इस चीज को लेकर क्या सफाई पेश की है वो आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं। तो अभी अभी मैंने देखा है कि जो अमर उजाला न्यूज़पेपर है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देखते हैं तो हमें यहां पर साफ तौर पर देखने को मिलता है कि करीब करीब 1,30,000 के आसपास जो वैकेंसीज हैं, ओवरऑल वैकेंसीज की यहां पर बात की गई है, तो करोड़ों बच्चों ने इसके लिए फॉर्म फिल किया था अब से करीब 9 महीने पहले जब विज्ञप्ति जारी की गई थी। तो यहां पर साफ तौर पर आरआरबी एनटीपीसी की जो टीयर वन की जो डेट को लेकर यहां पर लगातार न्यूज वायरल हो रही थी कि 13 मार्च से एग्जाम हो सकता है और दूसरे चरण की जो कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी वो 23 मार्च से लेकर होगी अप्रैल तक, ठीक है। तो इसमें रेलवे ने खुद इसके संबंध में कहा है कि रेलवे के अधिकारी के अनुसार उन्होंने कहा कि ऐसा कोई आधिकारिक सर्कुलर जारी नहीं किया गया है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा सर्कुलर फर्जी है। उन्होंने उम्मीदवारों को इस फर्जी सर्कुलर के बारे में आगाह किया है। साथ ही रेलवे अधिकारी ने यह भी बताया है कि अभी तक बोर्ड ने परीक्षा की तारीख को लेकर कोई फैसला नहीं किया है। अब फैसला नहीं किया गया तो क्यों नहीं किया गया? गौरतलब है कि पहले भी आरआरबी ये कह चुका है कि भर्ती परीक्षाएं आयोजित करने के लिए एक बाह्य एजेंसी पर अंतिम फैसला होने के बाद ही परीक्षा का शेड्यूल व अन्य जानकारी जारी की जाएंगे। यानी कि वही चीज जो कि मैं आपसे कह रहा था कि अभी तक वेंडर का इश्यू जो बन रहा था वो अभी तक यहां पर भी सॉल्व नहीं हुआ है। यानी कि आज, यानी कि 12 दिसंबर तक भी अभी ये डाउट बना हुआ है कि ये वेंडर कौन होगा, ठीक है। टीसीएस आपका पेपर कंडक्ट करा रही है, वो अभी भी कराएगी, लेकिन मैंने यहां पर बात करी थी सीफी की। सीफी क्या करता है, जो भी आपका नेटवर्क इशू होता है, जितने भी कॉलेज सेंटर्स के अंदर जो ऑनलाइन पेपर की जो प्रक्रिया होती है उसको कंडक्ट कराने का काम होता है सीफी। तो पिछले कुछ एग्जाम ऐसे देखे गए जहां पर सीफी की तरफ से कुछ वहां पर गड़बड़ मानी गई, यानी कि पेपर वहां पर कहीं ना कहीं लीक किया गया या कुछ फर्जी तरीके से पेपर कराते हुए सीफी यहां पर देखी गई है। तो इसलिए सीफी से यह कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया था और यहीं पर रेलवे ने डिसाइड किया था कि अब कोई नया वेंडर यहां पर लिया जाएगा, बट अभी तक उस पर कोई फाइनली डिसीजन नहीं लिया गया है। तो स्टूडेंट, अभी तक जितनी भी न्यूज आ रही है वो सब फेक है, इन फेक न्यूज पर ध्यान ना दें, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। एग्जाम तो आपका डेफिनेटली होना है और जब भी होगा बस आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि आपको यहां पर फाइनली सिलेक्शन लेना है। तो स्टूडेंट, ऐसे ही जो आपके लिए मेन वीडियो रहेंगी जो आपके एग्जाम की तैयारी के लिए बेनिफिशियल रहेंगी, चाहे मोटिवेशन से रिलेटेड है, टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड वीडियोस हैं, चाहे वो एग्जाम की स्ट्रेटेजी से रिलेटेड वीडियोस हैं, वो लगातार हम गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल के इस माध्यम से आपके लिए लेकर आते रहेंगे। चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपका परिवार है गुरुकुल हब परिवार, आपका अपना परिवार है, इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों तक ये अहम जानकारी पहुंच सके कि ये जो न्यूज चल रही है लगातार वो सब फेक है। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ले गुड बाय, थैंक यू।